हाँ तो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज से हम सेकेंड भाग को भी आप लोगों का कवर करेंगे, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसलिए हमें आप लोगों का सिलेबस भी खत्म करना है। तो आइए, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड भाग का दर्पण सूत्र। तो आइए देखते हैं दर्पण सूत्र। देखिए, सबसे पहले हम मानेंगे, माना एक वस्तु है जो अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य रखी है। तो देखिए, हमने ये एक वस्तु रखा है जो अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में, हमने बीच में रखा है, ठीक है। अब देखिए, इस वस्तु से हम एक प्रकाश डालेंगे जो फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो आइए हम एक प्रकाश डालते हैं। ये हमारी प्रकाश इस पर आपतित हुई, ये हमारा अवतल दर्पण है। अब इससे टकराकर ये फोकस से होते हुए इधर चली आई, ठीक है। अब देखिए, अब ये प्रकाश हमारी जो वक्रता केंद्र से जाएगी, ठीक है, ये हमारी प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर चली गई। आप लोगों ने पढ़ा है कि जो प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, ठीक है। लौट गई, यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा बन गया। इसको मान लेते हैं ए डैस बी डैस, हम इसको नाम दे देते हैं ए और बी, ठीक है। इसको हम यम मान लेते हैं, ये हमारा ध्रुव है पी। यहाँ पे अभिलंब गिरा लेते हैं जो बराबर है, यहाँ पे यन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे यन बराबर हो जाएगा पी के, ये आप लोग बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये अल्पांश लंबाई है इसलिए हमने यन बराबर पी माना है। अब देखिए, एक किरण हम एक और भेजेंगे, इस ध्रुव से होकर जाएगी। तो यहाँ से देखिए, हमारी एक किरण चली गई ध्रुव पे। अब ध्रुव पे चली गई तो ये हम जो हमारा मुख्य अक्ष है, ये इस किरण के लिए अभिलंब का काम करेगा। तो ये भी किरण ये ऐसे चली आएगी, ठीक है, ये ऐसी चली आई, ठीक है। हमने यहाँ से प्रकाश भेजा, ये ऐसे चली आई। इसका परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं तो अपने से लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, माना एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसके ध्रुव से अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक हमने बिंब या वस्तु रखा है, ठीक है। ए से एक प्रकाश किरण यम से पर टकराती हुई, यम पर टकराती हुई यफ फोकस से होकर गुजर जाती है, ठीक है, गुजर जाती है। उसके बाद लिखिएगा, एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है। इतना लिखने के बाद अब लिखिएगा कि एक प्रकाश किरण ध्रुव से होकर जाती है कोण आई बनाते हुए और कोण आर पे निकल जाती है, जो कि इन दोनों किरणों के लिए हमारा मुख्य अक्ष है, ये अभिलंब का काम करता है। इतना लिखने के बाद अब लिखिएगा क्या है? अब देखिए, अब डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम देखिए क्या लेंगे, हम इसमें से हम दो त्रिभुज लेंगे, ठीक है, उसको हम समरूप दिखाएंगे तभी हमारा काम बन सकता है, नहीं तो वरना काम नहीं बन सकता है। तो आइए दिखाते हैं। देखिए, ए डैस बी डैस यफ त्रिभुज लेंगे, फिर से देख लीजिए, ए डैस बी डैस यफ एक त्रिभुज हो गया, और देखिए यम पी और यफ, यम पी एफ, फिर से देख लीजिए, यफ यम पी एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, और ये त्रिभुज है यफ बी डैस ए डैस। ये त्रिभुज जो हैं इनका कोण ये बराबर है, ठीक है, तो इनको हम समरूप बनाएंगे। तो देखिए, इसकी ऊँचाई और इसकी ऊँचाई हम लेंगे, तो हम पहले इसकी ऊँचाई लेते हैं ए डैस बी डैस। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए डैस बी डैस यफ से, ए डैस बी डैस यफ से। अब देखिए, ए डैस बी डैस यफ में हम इसकी ऊंचाई को लेंगे, यानी कि लंब, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डैस बी डैस अपान में। अब देखिए, इस त्रिभुज का यम पी यफ त्रिभुज का हम ऊंचाई लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा यम पी अपान में एम पी, बराबर करेंगे। यहाँ पे देखिए, ए डैस बी डैस यफ का हम आधार लेंगे, तो यहाँ पे देखिए बी डैस यफ हो जाएगा आधार, यहाँ पे लिखेंगे हम बी डैस एफ अपान में करेंगे इस त्रिभुज का। देखिए एम पी और यफ इसका हम आधार लेंगे, तो हमारा हो जाएगा पी और यफ, यहाँ से हमारा आ जाएगा पी यफ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसको थोड़ा सा हल करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को एक दिखाते हैं चित्र। देखिए, ये जो हमारा एम पी है इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा ए बी के, फिर से देख लीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है। यम पी ये जो हमारा है इसको हम आगे की ओर लाएंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा ए बी के, वस्तु के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम पी बराबर हो जाएगा ए और बी के, तो यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं ए डैस बी डैस यम पी की जगह पर देखिए हम ए बी लिख देंगे, ठीक है, ए और बी बराबर बी डैस और यफ हो जाएगा अपान में पी एफ। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। अब इतना करने के बाद, दो त्रिभुज तो हल कर लिया अपन ने,
अब दो त्रिभुज और हल करेंगे। तो देखिए वो कौन से त्रिभुज हैं, देखिए ए और बी यहाँ से आ जाएंगे पी तक, फिर से देख लीजिए ए बी पी, ये जो ऐसे लाइन गई है ए पी बी, ठीक है ए पी बी, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। अब आप लोगों को एक त्रिभुज और दिखाएंगे, देखिए ध्यान से पी ए डैश बी, यानी कि बी डैश पी ए डैश बी डैश पी, आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ए डैश बी डैश पी से, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश पी से, ए डैश बी डैश पी से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इसकी ऊंचाई लेंगे तो ए डैश बी डैश आ जाएगी इसकी ऊंचाई, इसका लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है। देखिए ये हमारा दोनों समरूप त्रिभुज है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, इसलिए इन दोनों का कोण समरूप हो जाएगा। समरूप वाले आप लोगों ने टॉपिक में पढ़ा होगा तो आप लोग वहाँ से समझते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज में आते हैं ए बी और पी, ए बी पी में से हम ऊंचाई को ले लेंगे, यानी कि लंब ए बी हो जाएगा, ए बी बराबर करके लिखेंगे। अब देखिए इसका आधार लेंगे इस त्रिभुज का, ए बी डैश पी का आधार लेंगे तो यहाँ पे हमें ए बी डैश पी मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बी डैश पी, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज में आते हैं बड़े वाले में ए बी पी, इसका आधार हो जाएगा बी और पी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी और पी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे पहले समीकरण और दूसरे समीकरण का, तो एल एच एस आपस में बराबर हो गया है। देखिए ए डैश बी डैश अपान में ए बी, यहाँ पे ए डैश बी डैश अपान में ए बी, ये जो दोनों हमारा एल एच एस है ये हमारा बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आर एच एस भी बराबर हो जाएगा, नहीं ये वाला नहीं, ये भी हो सकता है, इसको भी घेर देते हैं किस सबसे, ये दोनों हमारा बराबर हो गया है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब देखिए तो हम कह सकते हैं कि ये और ये दोनों हमारा बराबर ही हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एक स्टेप और लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक और समीकरण दो से यहाँ से लिखेंगे हम बी डैश एफ अपान में पी एफ, यहाँ पे लिखते हैं बी डैश एफ अपान में पी एफ। अब देखिए यहाँ पे बराबर करके लिखेंगे बी डैश पी अपान में बी पी। अब देखिए अब इतना करने के बाद हम निकालेंगे हम इस बी डैश एफ का मान, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को बी डैश एफ का मान दिखाते हैं, ये हमारा बी डैश और एफ का मान है, तो हम इस दूरी को निकालने के लिए क्या करेंगे बी डैश पी में से एफ और पी को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता दी लिख देते हैं आप लोगों को बी डैश एफ बराबर बी डैश एफ, दूरी को हमें निकालना है तो हम बी डैश पी से माइनस करेंगे एफ पी, तो यहाँ पे एफ पी माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बी डैश एफ, ठीक है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक राज की बात बताऊंगा, आप लोग इसको ज़िंदगी भर याद रखिएगा क्योंकि ये आप लोगों के हमेशा काम आएगा, ठीक है। कि यहाँ पे वस्तु से प्रकाश जिस दिशा में जाती है उस दिशा में हम प्लस का चिन्ह लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक राज की बात बताऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसके चिन्ह परिपाटी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी में आप कैसे लेंगे चिन्ह को, ठीक है। देखिए जब किसी वस्तु से प्रकाश जिस दिशा में जाती है, ठीक है, जिस दिशा में जाती है उस दिशा में हम प्लस लेते हैं, और उसके विपरीत दिशा में यानी कि ये जो प्रकाश इस दिशा में जा रही है तो हम इधर की ओर प्लस लेंगे, ठीक है। अगर इससे विपरीत दिशा में आ रही है वो वस्तु से उल्टी दिशा में, जैसे ये दिशा में आ रही है ये उल्टी दिशा में आ रही है, लेकिन हमने प्रकाश वस्तु से इस दिशा में भेजा है लेकिन इससे आपतित होकर इस दिशा में आ रही है, तो हम इधर की ओर माइनस लेंगे। ये आप लोग बात को ध्यान में रखिएगा, जब भी आप लोग इसमें दूरी को नापिएगा तो ध्रुव से चलना स्टार्ट करिएगा फीता लेकर, और जहाँ तक की दूरी नापना होगा वहाँ तक की आप लोग दूरी नापिएगा, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, देखिए जब किसी वस्तु से प्रकाश जिस दिशा में जाती है उस दिशा में हम प्लस लेते हैं और उसके विपरीत दिशा में माइनस लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए वस्तु से प्रकाश जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में हमने प्लस लिया है, और देखिए उसके विपरीत दिशा में इधर की ओर आ रही है तो हमने यहाँ पे माइनस ले लिया है, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आप लोग दूरी कैसे नापोगे ये इसको भी सुन लीजिए, हम लोग जब भी दूरी को इसमें नापेंगे ऐसे में, तो यहाँ पे जब भी नापेंगे तो यहाँ पे ध्रुव से लेंगे, ध्रुव से हम किसी दूरी को नापेंगे, यानी कि फीता उठाएंगे ध्रुव से जहाँ तक की दूरी नापना होगा नापेंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसको हल करते हैं थोड़ा, अब यहाँ पे थोड़ा हल करते हैं, हल करने से पहले इसी में कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ध्रुव से हम इस एफ तक आएंगे तो यहाँ तक की दूरी हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी,
हम वस्तु से प्रकाश इधर की ओर जा रही है लेकिन हम उसके उल्टी दिशा में आ रहे हैं, तो क्या लेंगे, माइनस का लेंगे। यहाँ पे माइनस का फोकस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस का यफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम भी को लेंगे माइनस में, क्योंकि हम उल्टी दिशा में आ रहे हैं। हमारा वस्तु से जो है प्रकाश इधर की ओर जा रहा है लेकिन हम इधर की ओर आ रहे हैं, तो इसको भी हम माइनस में लेंगे। यहाँ से हो जाएगा यहाँ तक की दूरी माइनस का वी, माइनस का भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारी वस्तु है और वस्तु से हम प्रकाश इधर की ओर भेज रहे हैं लेकिन हमें ध्रुव से दूरी को नापना है, तो हम ध्रुव से इधर की ओर आएंगे। इधर की ओर हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी हमारी माइनस का यू। हम वस्तु की दूरी को माइनस यू से प्रदर्शित करते हैं और देखिए इसमें हम प्रतिबिंब की दूरी को माइनस वी से और यहाँ से फोकस की दूरी को माइनस यफ से। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो आइए इसमें मान रखते हैं। देखिए ये दोनों हमारा बराबर हो गया है, तो लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने लिखा ही है, तो यहाँ पे देखिए बी डैश यफ का मान यहाँ से रख लेंगे, तो बी डैश यफ का मान हो जाएगा बी डैश पी माइनस यफ पी, अपान में करके लिख देंगे इसको, पी यफ बराबर हो जाएगा बी डैश पी, यानी कि बी डैश पी अपान में बी पी। अब इसमें हम मान रख लेते हैं, देखिए बी डैश पी, अब इसमें आते हैं खोजते हैं, देखते हैं बी डैश पी कहाँ मिलता है। बी डैश पी ये हमारी प्रतिबिंब की दूरी हो गई, तो इसको माइनस का हम यू भी ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का भी हो जाएगा, कोष्टक बंद कर लेते हैं, ये हमारा माइनस ऐसे का ऐसा। अब चलते हैं यफ पी जो आते हैं, एफ पी यफ और यहाँ से पी हमारा निकल गया, यानी कि फोकस यहाँ से माइनस का एफ हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग, और यहाँ पे पी और यफ लेंगे, यहाँ से पी और यफ लेंगे यहाँ तक, तो इसका भी माइनस यफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बी डैश पी कहाँ पे स्थित है। बी डैश पी यानी कि बी डैश यहाँ पे पी और बी डैश यहाँ पर हो गया, तो हम माइनस का वी ले लेंगे, माइनस का भी। अब बी पी जो होते हैं पी और बी यहाँ पे है, तो इसका माइनस का यू हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का यू, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। देखिए ये माइनस का वी हो जाएगा, ये इसका गुणा करेंगे इसमें, तो प्लस का एफ हो जाएगा, अपान में एफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ बराबर करके भी और ये यू हो जाएगा, इसका हम तिरय गुणा कर देते हैं, इसका इसमें ऐसे। ठीक है, यहाँ पे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, देखिए माइनस भी का गुणा यू में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का भी और यू, यफ का गुणा यू में करेंगे तो यहाँ पे प्लस का यफ यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो बराबर करके लिखेंगे माइनस यफ और भी हो जाएगा। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे सभी पदों में यू भी एफ का भाग करने पर, यू भी एफ का भाग करने पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस का भी यू हो जाएगा, इसमें भी यू भी एफ का हम भाग दे देते हैं, प्लस करके लिखते हैं यहाँ पे एफ यू है, तो इसमें भी यू भी एफ का भाग कर देते हैं, बराबर का माइनस एफ यू, नहीं ये भी है हमारा, अपान में यू भी और एफ। इतना करने के बाद इसमें से देखिए कौन कौन करता है, देखिए भी और यू ऊपर से और नीचे से दोनों में से चला गया, देखिए यफ यू है यहाँ से यफ और यू कट जाएगा, यफ भी है तो ऊपर से यफ भी और यहाँ से यफ भी चला गया। ठीक है, यहाँ पे बचा माइनस का वन अपान में एफ बराबर, यहाँ देखिए वन अपान में यफ प्लस, यहाँ पे बचा वन अपान में भी बराबर, यहाँ पे माइनस वन अपान में यू। ठीक है, थोड़ा प्रेम चेक कर लेते हैं। आप देखिए इस एफ को उधर ले जाएंगे और इस माइनस वन अपान में यू को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको ले जाते हैं, तो देखिए वन अपान में यू प्लस वन अपान में भी हो जाएगा बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो वन अपान में एफ, यही हमारा दर्पण सूत्र है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, वन अपान में एफ बराबर हो जाएगा वन अपान में यू प्लस वन अपान में भी, ये हमारा दर्पण सूत्र निकल कर आ गया। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, जहाँ समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हाँ, तो दोस्तों मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश किया है पूरे एनर्जी के साथ, तो आप लोगों को मैं ऐसा करता हूँ कि समझ में आया ही होगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगा हो कि मैंने आप लोगों के लिए ज़रा भी मेहनत किया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों एक बार कमेंट आप लोग जरूर करिएगा
कि आप लोगों को इस वीडियो को देखकर कैसा लगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।